इस बार मैं आया हूँ बिहार के जंगली बिहार में। अगर यहाँ कहीं भटक गए तो मालिक ही बचा सकते हैं। यहाँ ना कोई आदम है ना आदम जात। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कुछ ऐसे टिप्स जो आपको कहीं नहीं काम आने वाले हैं। तो चलिए जान को जोखिम में डालते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। अभी दोपहर का डेढ़ बज चुका है, धूप एकदम मेरे सर के ऊपर, तापमान 55 डिग्री और मुझे ज़ोर से प्यास भी लग रही है। ऐसे में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहीं से कहीं पानी ढूंढें। मुझे कहीं पानी नहीं दिख रही है, मैं अभी देख रेत पर हूँ, कैक्टस भी नहीं है यहाँ पर, मैं कैसे पानी लूँ। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान को याद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मैं अभी वही करने वाला हूँ। हे भगवान पानी दे दो, हे भगवान पानी मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ वो आपको दे ही देते हैं। अगर आपके मन में पाप है तो आप अपने साथ क्रीव तो लेकर आते ही होंगे। पानी मुझे मिल गया है, क्रीव के पास है, अब इससे मैं प्यास बुझाऊंगा। ज़्यादा खर्च ना करें, पानी बहुत कीमती है। दूसरा बोतल है ना, ठीक है। पानी मैंने पी ली है और जैसा भी आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है तीन चीज़, रोटी कपड़ा और मकान। तो कपड़ा आप देख रहे हैं उधर, लेकर चलता हूँ मैं अपने साथ। अगर गीला हो गया तो क्रू मेंबर्स दो तीन कपड़ा तो रखते ही हैं साथ में। रोटी मतलब खाना और पीना, पानी है मेरे पास, खाना और मकान मुझे ढूंढना है। समय हो गया है शाम का 4 और हमें अब खाने की तलाश करनी होगी और साथ में मकान की भी। बहुत जल्द हम निकलेंगे किसी टाइम को वेस्ट किए हुए 2 घंटे बाद। तो चलो चलते हैं अब खाने और मकान की तलाश में। और कहीं आप जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में जाएं। तो वैसे में अब उधर देख सकते हो सूरज की किरणें मेरे हाथ से 104 डिग्री के ऊपर, और हवा की बहाव आप देख सकते हो पतंग के साइड से इधर बह रही है। तो इससे हमें डायरेक्शन तो नहीं पता चलेगा, हवा का डायरेक्शन पता चल सकता है कि इधर जा रहा है। तो हम करेंगे टॉस, हमारे पास है सिक्का, हेड और टेल। हेड आएगा तो हम जाएंगे राइट, टेल आ जाएगा तो हम जाएंगे लेफ्ट। तो करते हैं टॉस अब। अभी आया है टेल तो हम जाएंगे जहां हमारा मन करे, चलते हैं अब, आ जाओ। वो देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मुझे 3-3, 40-50 किलो के प्रोटीन्स दिख रहे हैं। मैं भूख भी लगी है मुझे। घर जाने के पहले मैं ये टेस्ट करना चाहूँगा कैसा लगता है। देखिए वो जी हाँ, सैंडविच अच्छा बनता है उसका। फिर से हाँ बोलो। अच्छा। अक्सर इधर आपको शेर और शेरनी दिख जाएंगी प्रजनन करते हुए, भालू चीता के मुझे फुटप्रिंट्स दिखे थे उधर। तो जब तक आपको आपके सर पर मकान नहीं मिल रहा है, कोशिश करें कि कुछ आग अगर आप जला सकते हैं, कुछ आपके पास रख सकते हैं तो रखें, फिर आगे की ओर बढ़ें। मैं बढ़ता हूँ। हो गया है शाम का 6 और अभी तक हमें रुकने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला है। फिर हम वही करेंगे, भगवान से प्रार्थना और ढूंढेंगे कुछ हमें दिखने को अगर मिल जाए तो। उधर शायद कुछ बस्ती मुझे दिख रही थी दूर से, मैं ढूंढूंगा उधर कुछ है या नहीं है। हाँ मुझे कुछ दिख रहा है उधर, मुझे एक छोटा सा घर दिख रहा है उधर, शायद अपने रुकने का व्यवस्था हो चुका है रात का। ये है वो घर
शायद हम यहाँ पे रुक सकते हैं। आइए चलते हैं। तो फाइनली हमें मकान मिल गया है, हम यहाँ पे अपना रात गुजर कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर सोएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर फैलाइए जहाँ जहाँ तक फैलाना है। सोएंगे हम यहीं पे।